मेरा एक बेटा 12th में पढ़ रहा था, उसको करंट लग गई सर, और एक बेटा JNU में पढ़ रहा था, उसको देखने के लिए आया हुआ था, वो मेरे दरवाजे पे मोटरसाइकिल वाले ने उसको धक्का मार दिया, ब्रेन में चोट लग गई सर, उसका भी डेथ हो गया, 1 महीने के 2 बच्चे डेथ कर गए मेरे, फिर भी जनता का प्यार है और जनता मालिक है। फिर भी काफ़ी मित्रों ने, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी साथियों ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है, और लड़ेंगे तो थोड़ा मन भी बहलेगा और समाज सेवा भी होगा, और हम 1993 से ही प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों का चाह था कि जो कीना बेची, जो खरीद पुरुष हो रहा है, तो जनता मालिक है, जनता क्यों नहीं चाहिए। हमारे व्यवसायी असुरक्षित हैं सर, कभी लूटपाट हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। यहाँ हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है, ज्वलंत पुलिस वाले 24 घंटा रनिंग करेंगे, हमारे बेटी जो सेवा कर देगी बेटा नहीं कर सकता है। तो मैंने अपने जनता जनार्दन के बीच अपने बेटी को इसलिए भेजा है कि इसको संस्कार है, इसको सिस्टम मालूम है कि जनता ही हमारा माता पिता है, हमारा बड़ा भाई छोटा भाई है, हमारी बहनें हैं, इसलिए वो सेवा करने में। ग्रेजुएशन की हुई है, BED भी कर ली है, BPSC की तैयारी भी कर रही है। मेरा एक बेटा 12th में पढ़ रहा था, उसको करंट लग गई सर, और एक बेटा JNU में पढ़ रहा था, उसको देखने के लिए आया हुआ था, वो मेरे दरवाजे पे मोटरसाइकिल वाले ने उसको धक्का मार दिया, ब्रेन में चोट लग गई सर, उसका भी डेथ हो गया, 1 महीने के 2 बच्चे डेथ कर गए मेरे, फिर भी जनता का प्यार है और जनता मालिक है। सभी कपड़ों के दुकानदारों के लिए एक नई खुशखबरी, आप लोगों की डिमांड पर बहुत बड़ा मशहूर होलसेलर जीन्स कॉर्नर, रेडीमेड के थोक विक्रेता, मेंस वियर और किड्स वियर, आज ही चले जीन्स कॉर्नर, पता है जैन स्वीट्स के सटे व भी मार्ट से 50 कदम दूर, फतेहपुर बाईपास रोड, साई कॉम्प्लेक्स, सीवान, मोबाइल नंबर 9525949737, 7352427374, प्रोपराइटर कुणाल जी व विशाल जी। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से, सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें, संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सबसे अलग, सबसे खास, आपके पूरे परिवार के लिए गरम मसाला रूफ टॉप रेस्टोरेंट, जहां वेज और नॉन वेज में कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध है। एकमात्र ऐसा रेस्टोरेंट जहां एक साथ इंडोर में 70 लोग और आउटडोर में 100 लोगों के बैठने की है व्यवस्था। होम डिलीवरी की भी सुविधा। बनानी हो बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी पार्टी या मीटिंग तो आज ही बुक करें। गरम मसाला रूफ टॉप रेस्टोरेंट, HDFC बैंक के सामने, पेट्रोल पंप के ऊपर, बबुनिया रोड, सिवान, मोबाइल नंबर 9693496921। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL लाइव और मैं हूं चंदन। नगर परिषद चुनाव को लेकर के सरगर्मियां धीरे धीरे काफ़ी तेज होती जा रही है, लेकिन अभी यह कह पाना मुश्किल है कि सिवान नगर परिषद या फिर बिहार के तमाम जो नगर परिषद का चुनाव है वो कब होगा, क्योंकि परिसीमन की जहां तक बात हो रही थी वो अभी पूरा काम नहीं हो चुका है। सिवान की अगर बात करें तो सिवान में कुल 38 वार्ड हैं शहरी इलाके में, और अभी वार्ड की संख्या बढ़ सकती है, कन्फर्म नहीं है कि कितने वार्ड बढ़ेंगे, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के तैयारियां चल रही है। लेकिन इसी बीच तमाम प्रत्याशी अपने अपने बैनर पोस्टर के माध्यम से शहरी क्षेत्र में कूद गए हैं और सीधे तौर पर वो जनता के बीच आकर के संदेश दे दिए हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे। और इसी कड़ी में एक और नाम जुड़ गया है जो कि परिचय के मोहताज नहीं है, जिनका नाम है अजय पासवान। अजय पासवान के बारे में आपको बता दें कि सिवान जिले से वो पूर्व के जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं और लोकसभा का चुनाव गोपालगंज जिले से भी लड़ चुके हैं, और अजय पासवान शिक्षित उम्मीदवार माने जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि अगर महिला सीट नगर परिषद की है, पुरुष हुआ तो अजय पासवान स्वयं चुनाव लड़ेंगे। मैं जो नगर परिषद चेयरमैन का के उम्मीदवार होंगे वो स्वयं अजय पासवान होंगे, और अगर महिला सीट जिस तरीके से अभी है और वो अगर उसी पे कायम रही तो इनकी पुत्री पूजा कुमारी, जो कि एजुकेटेड है, काफ़ी शिक्षित है, वो चुनावी मैदान में आ सकती है। और अजय पासवान के आने के बाद से जो सिवान का जो राजनीतिक पारा है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ सकता है। अजय पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, जिस तरीके से देखा गया आपने लोकसभा भी चुनाव लड़ा और आप जिला परिषद सदस्य रह भी चुके हैं,
आखिर इस तरह की क्या बात होगी? बहुत सारे प्रत्याशी आए हुए, आपने देखा होगा कि तमाम बैनर पोस्टर तमाम तरह की चर्चाएं चल रही है, अचानक से आपकी एंट्री होती है, तो अजय पासवान जो हैं ये किस लिए चुनाव मैदान में आ गए और क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले आपके चैनल को कोटि कोटि धन्यवाद कि आप लोग बड़े से बड़े मुद्दा और छोटे छोटे मुद्दाओं पर चर्चा पूरे सीमांत जिला में और बिहार में भी करने का कार्य करते हैं। मैं बंटी बाबू आपको बता दूं कि काफ़ी मित्रों ने, काफ़ी साथियों ने कहा कि अजय जी आप आइए नगर परिषद क्षेत्र में, आपका मकान भी है और आप सही रूप से एक अनुभव रखते हैं और नगर परिषद के कार्यक्रम जो भी हैं, जितने भी घोटाले हुए, बहुत सारे अनियमितताएँ हुई हैं नगर परिषद में, आप मेरे ख्याल से आप ठीक ठाक रहेंगे। मैंने कहा मैं चुनाव लड़ने के मूड में नहीं हूं सर, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ ऐसे ऐसे घटनाएं हो गई और उससे हम लोग आहत ज़्यादा थे। फिर भी काफ़ी मित्रों ने, काफ़ी लोगों ने, काफ़ी साथियों ने कहा कि नहीं आपको चुनाव लड़ना है और लड़ेंगे तो थोड़ा मन भी बहलेगा और समाज सेवा भी होगा। और हम 1993 से ही समाज सेवा कर रहे हैं और उस समाज सेवा में हम नगर परिषद का चुनाव लड़ने का मुख्य कारण ये है कि जनता मालिक है, जनता जनार्दन है, जनता हमारा भगवान है, हम उनके चौकीदार हैं, हम उनके सेवक हैं और सेवा भावना हमारे में रही है। और मैं अपने जनता जनार्दन से बता देना चाहता हूं कि ये नगर परिषद का जो चुनाव होगा एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, ऐतिहासिक व्यक्ति को आप लोग चुनाव जिताएंगे और वो आपके बीच रूबरू रहेगा, हर एक दुख दर्द सुख दुख सब में आपके साथ रहने का कोशिश करेगा। और इसमें मैं आप सभी का वचन देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, सारे जितने भी श्रोतागण हैं इस आपके चैनल से और हमारे चाहने वाले लोग हैं, मैं आप सभी को वचन देता हूं कि ये जो चुनाव होगा, जो चेयरमैन बनेगा वो आपका एक सेवक होगा, आपका एक प्रिय होगा, जो कि कभी आप बुलाएं, कभी उससे आप काम कराएं और कभी भी कोई भी शहर के अंदर जो अनियमितताएं हो रही हैं उसको दूर करने का मैं काम करूंगा। आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से खरीद फरोख्त होती थी वार्ड बन जाने के बाद, वार्ड पार्षद बन जाने के बाद से तमाम बोलियां लगती थी, 5 लाख 8 लाख 10 लाख और उसके बाद से चेयरमैन बना जाता था, इस बार डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, डायरेक्ट जनता जो है पार्षद को चुनेगी, चेयरमैन को चुनेगी, डिप्टी चेयरमैन को चुनेगी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह आपने कहा कि इतिहास कायम होगा, तो बिल्कुल आप मान रहे हैं कि इतिहास कायम होगा? और किस तरीके के लोग आ सकते हैं, इस जनता चुन सकती है? देखिए सर, सबसे सर्वप्रथम मैं देश के संविधान निर्माता और माननीय सबके विकास के बारे में सोचने वाले प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, इन सभी लोगों का चाह था कि जो कीना बेची जो खरीद पुरुष हो रहा है तो जनता मालिक है, जनता क्यों नहीं चेयरमैन को चुने? तो उसमें पैसे से लोग खरीद लेते थे और जब जो 2-3 करोड़ रुपया जो खर्चा करेगा वो जनता का काम कहाँ से करेगा? तो जनता मालिक है, एक वोट की चोट से दुनिया की किसी भी ताकत को हिलाया जा सकता है, तो एक वोट के चोट से एक अच्छे व्यक्ति को चुना जा सकता है, एक सेवक को चुना जा सकता है, एक प्रिय लोग को चुना जा सकता है जो आपकी सेवा कर सके। सर अब मात्र 888 रुपए के EMI पर घर ले जाएं, LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, AC, कूलर, RO, बैटरी इन्वर्टर, लैपटॉप और मोबाइल, इसी में 22,000 तक की विशेष छूट। LG बेस्ड शॉप जिम्मी सेल्स के ऊपर नील कमल फर्नीचर शोरूम में महालगन पैकेज जिसमें बेड, गद्दा, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल, बेड टेबल अब मात्र 59,990 से शुरू, फर्नीचर में 40% तक की विशेष छूट। आज ही चले जिम्मी सेल्स, पुरानी किला के पास, बबुनिया रोड, सीवा। मोबाइल नंबर 9931880030, 9973187309। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर SK अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र, जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। घुटना, कमर दर्द, कंधा दर्द, गठिया और साइटिका, एक्सीडेंट और फ्रैक्चर व हड्डी से रिलेटेड हर तरह के ऑपरेशन के लिए आज ही मिले डॉक्टर दानिश से। आशा हॉस्पिटल, राजीव नगर, कांग्रेस कार्यालय के नजदीक, पकड़ी मोड़, सिवान।
सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी आईफोन वन प्लस ओप्पो वीवो सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर दरबार मार्केट मेन रोड सिवान। मोबाइल नंबर 9709945298789312293। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, अपने मोदी जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहता हूं, चुनाव आयोग को देना चाहता हूं कि आप लोगों ने ये कठोर निर्णय लेकर के जनता जनार्दन को एक मालिक बनाया और एक सेवक खोजने का अपना एक तरीका तैयार किया। क्या लग रहा है अजय जी, इस बार का चुनावी जो मुद्दा होगा, आप अगर चुनाव लड़ने के लिए आपने बिगुल फूंक दिया, मुद्दा आपका क्या होगा? तमाम लोगों का बहुत सारा मुद्दा होता है लेकिन बस वो बनने के बाद सब कुछ मुद्दे फेल हो जाते हैं, आपका मुद्दा क्या? सबसे पहले सर, नेता का नियत तब नीति बनती है। जो भी नेता होगा उसका नियत ठीक नहीं होगा तो नीति बन नहीं सकती। आपको लग रहा है कि आज के समय में जो नेता हो रहे हैं उनकी नियत साफ है? वो कल आजकल जाकर के कुर्ता सिलवा लेते हैं सर, बंडी खरीद लेते हैं, मार्केट में मिल रहा है सर। आ कुछ ऐसे नेता हैं कि उन्होंने समय दिया है जनता के बीच, जनता का दुख दर्द को सुना है, जनता के लिए अपना सारी खुशियों को त्यागा है। वो व्यक्ति आएगा तो जनता के दुख दर्द को समझेगा और जनता के हित में काम करेगा सर। लेकिन आज की जो राजनीतिक जिस तरीके से दिखाई दे रही है कि आप अगर नेता बन गए, जनता ने आपको चुन करके भेज दिया, तो जनता का विकास नहीं, सबसे पहले अपना विकास हो, अपना एक आलीशान बंगला हो, एक उस बंगले में आलीशान बंगले में लग्जरी गाड़ियां एकदम कतारबद्ध लाइन बद्ध लगे, तो उसके बाद जनता का विकास होगा, इस बात को आप मानते हैं? सर ऐसा नहीं है सर। मेरे पिताजी दिल्ली में आईजी थे सर। मैं चाहता तो मैं डीएसपी दरोगा जरूर बन गया होता, मैं समाज सेवा में ही क्यों लगना चाहा, क्योंकि मुझे यही अच्छा लगता था, मुझे समाज में रहना ही मुझे अच्छा लगता था। और आलीशान तो हम लोगों ने अपने पिता के काल में ही देख लिया है। जिसने कुछ नहीं देखा वो दिखाना चाहता है, वो लूटना चाहता है, वो गाड़ी घोड़ा बंगले दिखाना चाहते हैं। हम तो एक छोटे से मकान में रहना पसंद करते हैं और रहे हैं, अब रह भी रहे हैं। तो हमने मोदी जी के मिशन को पूरा करने के लिए बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के, इसलिए हमने अपनी बेटी को बेटा बना करके जनता के बीच में सेवा करने का मौका दे रहे हैं सर। शहर की जो हालात हैं आप सब कुछ देख रहे होंगे, लगातार देखने को मिला, अगर इधर 5 साल की हम बात कर लें, कई स्वीपर हड़ताल पर, कई बार हड़ताल हो गया, शहर की जो साफ़ सफाई है वो नहीं होती थी, लाइटिंग की जो व्यवस्था है वो आप देख रहे होंगे शहर के बीचों बीच उसी तरीके से अंधकार में सिवान रहता है, लेकिन किसी को चिंता नहीं है। तो क्या माना जाए कि अजय पासवान जब आ रहे हैं फील्ड में, जनता के बीच जा रहे हैं, मौका मिला तो इन तमाम चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, क्या सिवान को एक ग्रीन और नीट सिवान बनाएंगे, ग्रीन सिवान बनाएंगे? एकदम 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 सर। सबसे सर्वप्रथम कुछ बातें हैं आपको मैं बताना चाहता हूं सर। सबसे पहले व्यवसाय से ही बेरोजगारी दूर होती है। हमारे व्यवसायी असुरक्षित हैं सर, कभी लूटपाट हो जा रहा है, कोई कुछ हो जा रहा है। यहाँ हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है ज्वलंत पुलिस वाले 24 घंटा रनिंग करेंगे हमारे नगर में, कि कोई क्राइमर दिखता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखता है तो उसको गिरफ्तार करेगा और उसको उससे पूछताछ करेगा कि तुम यहाँ कैसे फालतू घूम रहे हो। दूसरी बात, डॉक्टर भी असुरक्षित हैं, जनता असुरक्षित है, यहाँ बहुत सारे काम किया जाएगा सर। आप देख रहे होंगे पोलों पर बहुत सारी लाइटें लगा दी गई हैं, कोई लाइट जलता नहीं है सर। आप देख रहे होंगे कि सफाई कूड़ा का जो है अंबार लगा हुआ है सर। आप समय पर किसी का तनख्वाह नहीं देंगे, समय पर पेमेंट नहीं करेंगे, तो आपने तो पैसा दे करके आपने वोट खरीदा है सर, तो कहाँ से आप बेरोजगार कर्मचारियों का पैसा देंगे? इसलिए ये इस टाइप की अनियमितताएं हो रही हैं, ये मेरे काल में ऐसा नहीं होगा सर। जैसे कि अभी तो सीट जो है महिला है, ऐसे में आपने बिगुल फूका है, बहुत सारे और भी पुरुष हैं जो कैंडिडेट के तौर पे हैं, लेकिन अगर महिला सीट रहा तो फिर अजय पासवान उस परिस्थिति में क्या करेंगे? सर मैंने बिगुल नहीं फूका है सर, मेरे प्रिय और जनता जनार्दन की इच्छा रही है कि अजय जी आप चुनाव लड़िए, तो मैं चुनाव मैदान में हूँ आप सभी के बीच। और रही बेटी की बात, तो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जैसी प्रधानमंत्री का मिशन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटे से कहाँ छोटी मेरी बेटी है। बेटी जो सेवा कर देगी बेटा नहीं कर सकता है, तो मैंने अपने जनता जनार्दन के बीच अपने बेटी को इसलिए भेजा है कि इसको संस्कार है, इसको सिस्टम मालूम है कि जनता ही हमारा माता पिता है, हमारा बड़ा भाई छोटा भाई है, मेरी बहनें हैं, इसलिए वो सेवा करने में सक्षम रहेगी, इसलिए अपने बेटी को बेटा बना करके आपके क्षेत्र में छोड़ रखा। कितनी पढ़े लिखी है वो, कितनी शिक्षा प्राप्त है?
मेरी बेटी ग्रेजुएशन की हुई है, बीएड भी कर ली है, बीपीएससी की तैयारी भी कर रही है जी सर। तो आपको लग रहा है कि इस बार जनता आपका साथ देगी तमाम उन मुद्दों? एकदम 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 एकदम, सभी लोग के दिल में कराहट है सर कि अच्छे लोग आएँ, सेवा करने वाले लोग आएँ, प्यारे लोग आएँ, जो हमारे मान सम्मान की रक्षा करें, हमारी प्रतिष्ठा की रक्षा करें, हमें हमारे साथ मिलजुल के रहें, ऐसे लोग चाह रहे हैं सर। इच्छाएँ बहुत ज़्यादा है, हम जहाँ जाते हैं बड़ी मुझे प्यार और स्नेह मिलता है सर, मुझे विश्वास है कि जनता मुझे प्यार करेगी और मुझे चुनाव जिताएगी सर। देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि अजय पासवान जो ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी इनके ऊपर विपत्ति आई हुई है, शायद वो कहने लायक नहीं है लेकिन थोड़ा सा हम बताएंगे। ये कोई नहीं है कि इस ये राजनीति सिंपैथी लूटना है, बिल्कुल आपको बता दें कि कुछ महीने पहले इनके यहाँ दो चिराग बुझ गए, हालांकि कहना नहीं चाहिए, भावुक माहौल हो जाएगा, लेकिन बताना जरूरी है। इनके बड़े लड़के और इनके एक और उनसे थोड़ा सा छोटे लड़के, एक आध महीने के अंतराल में दो लोगों की मौत हो गई, ऊपर वाले ने जो भी अब ये किया, बहुत बड़ी विपदा इनके ऊपर गिरी। लेकिन उसके बाद भी ये जिस तरीके से सिवान को एक मॉडल बनाना चाहते हैं, अपनी पुत्री को क्षेत्र में ला करके और सिवान को एक बताना चाहते हैं, और अजय जी हमारे साथ देखिए भावुक हो गए, हालांकि ये बातें हमको बतानी नहीं चाहिए थी लेकिन हमने बताने का काम किया है। अजय जी से थोड़ा सा हम बात करेंगे, माहौल भावुक हो गया है। अजय जी क्या घटनाएं घट गई थी जिस तरीके से, हालांकि आंखों में आंसू आ गए, सवाल हमसे पूछने नहीं चाहिए लेकिन बताना थोड़ा सा लोगों को भी जरूरी है। मेरा एक बेटा 12th में पढ़ रहा था, उसको करंट लग गई सर, और एक बेटा JNU में पढ़ रहा था, उसको देखने के लिए आया हुआ था, वो मेरे दरवाजे पे मोटरसाइकिल वाले ने उसको धक्का मार दिया, ब्रेन में चोट लग गई सर, उसका भी डेथ हो गया, एक महीने के दो बच्चे डेथ कर गए मेरे। फिर भी जनता का प्यार है और जनता मालिक है। बिल्कुल आपने देखा कि अजय पासवान बिल्कुल भावुक हो गए हैं, और जाहिर सी बात है, देखिए जब घर के दो चिराग अगर चले जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक बाप के कंधे पर बेटे की लाश क्या स्थिति हो सकती है, ये कहने लायक नहीं है। लेकिन ठीक है, ऊपर वाले की जो मर्जी थी इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी जो संवेदनाएं हैं वो इनके साथ हैं, तमाम लोग इनके साथ हैं, दुख की घड़ी में साथ थे और कभी भी इनके साथ रहेंगे। सवाल ये है अजय पासवान जी, चलिए ठीक है वो दुख की घड़ी है ऊपर वाले की जो थी, ये बताइए कि सिवान को एक सुंदर बनाने के लिए, स्वच्छ बनाने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए क्या कुछ आपका ड्रीम क्या है, आपने कुछ प्रोजेक्ट तैयार किया है? मेरे पास सर अब इतना ख्वाब है, इतने मेरे सपने हैं कि अब बच्चे तो रहे नहीं, अब समाज के लोग ही मेरे बच्चे हैं, मेरे गार्जियन हैं, मेरे अभिभावक हैं सर, और हम सेवा करेंगे, इसलिए करेंगे कि बहुत हमने सुख देखा है सर, दुनिया की सारी सुख हमें मिली है, मेरे पिताजी ने दिया है, अब क्या देखना है, आप समाज सेवा करें और एक साथ नाम छोड़ के जाएँ कि लोग हमें याद करें। अजय जी कि आने वाला जो चुनाव होगा चेयरमैन का काफ़ी दिलचस्प और रोमांचक होगा, और जो लोग नहीं सोचे होंगे वो रिजल्ट सामने आ सकता है। एकदम ऐसे ही होगा सर, जो जनता के बीच होगा, जो जनता के लिए सोचेगा, जनताओं के विचारधाराओं से उसकी विचारधारा मिलती होगी, और इस सिटी को अपना एक मकान, अपना एक घर, अपना एक प्यार, एक अपना मोहब्बत समझता होगा, वही इसका चेयरमैन बनेगा सर। अब वो चेयरमैन सिवान के लिए काम करेगा कि मेरा सिवान पूरे बिहार में, पूरे भारत में एक स्थान बनाए, और है यहाँ पर ऐसे हमारे यहाँ व्यवसायी हैं, ऐसे डॉक्टर्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे अधिकारी पदाधिकारी, ये सिवान की धरती जो है द्रोणाचार की धरती है, ये सिवान की धरती जो है मजलोक और राजेंद्र बाबू की धरती है, यहाँ गलत नहीं हो सकता है सर, यहाँ अच्छे व्यक्ति की ही सिलेक्शन होगी, अच्छा व्यक्ति ही आप सभी के बीच आएगा सर। चलिए बिल्कुल आपने देखा कि अजय पासवान जो कि पूर्व के लोकसभा के प्रत्याशी भी रह चुके हैं, जिला परिषद के सिवान जिले से सदस्य भी रह चुके हैं, इस बार ये चेयरमैन के लिए सिवान नगर परिषद क्षेत्र का जब चुनाव होगा तो भाग्य आजमाएंगे, और अगर महिला सीट रही तो इनकी पुत्री जो कि पूजा कुमारी हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, वो चुनावी मैदान में आएंगी। देखना होगा कि जनता का किस तरीके से आशीर्वाद सहयोग मिल पाता है, या तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। हमारे सहयोगी मंटू ओझा के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव सिवान। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिंपल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने,
गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर ए के सिन्हा के समीप फतेहपुर दुर्गा मंदिर हॉस्पिटल रोड सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। फर्निशिंग की दुनिया का बेताज बादशाह जैन फर्निशिंग, घर वही अंदाज नया। आपके घरों को सजाने के लिए जैन फर्निशिंग लाया है डिजाइनर पर्दा, बेडशीट, मैट, कालीन, कारपेट, कंबल, कंफर्टर, तौलिया, सोफा कवर, कुशन कवर, मैट्रेस, दोहर प्लानो, ब्लैंकेट और तो और आर्टिफिशियल फ्लावर, फ्लावर पॉट एवं और भी बहुत कुछ। तो आज ही चले जैन फर्निशिंग, उमाशंकर सिंह पेट्रोल पंप के सामने, छपरा रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 0615435663।